हमारे को फोन आता है, कंप्लेंट आता है, जो कंप्लेंट हमारे को कंटिन्यूस आते रहते। आपको मालूम है कि 24 घंटे हम आवाम के बीच में रहते और पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में काम करते रहते। आज एक कंप्लेंट आता विजयनगर कॉलोनी, ताजनगर, फिरोजगानी नगर से ऑपोजिट आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की, फजर की नमाज के टाइम पर हमीद बोल के एक शख्स गिर गए, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है और ये कभी भी पूरे नामपली को खोद के डाल दिए, बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा, गाड़ियां रखने को प्रॉब्लम हो रहा, मोहरियां भर जा रहे, नाले भर जा रहे। तो ये कंप्लेंट जो हवा को दिए, हम उनसे मिलने को गए और उत्ते में माजिद हुसैन प्लस रउडी शीटर, हिस्ट्री शीटर, पूरे लंगे बदमाशा चोरा, दो खोड़ी के छिंदी चोरा आ गए। आप लोग आकर हमारे को अटैक करना स्टार्ट करे, बात कहां पर चले गई बोले तो पुलिस वालों के डंडे ले लेके हमारे को अटैक कर रहे हैं आप। तो मैं आज आपको बता दूं और सामने एमआईएम पार्टी को ये बात बोल दूं कि ये फिरोज खान पे अटैक नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी पे अटैक है। फिरोज खान चाहे तो अटैक कर सकता था, पर गांधी परिवार, गांधी के सिद्धांत, कांग्रेस के नॉन वायलेंस, ये तमाम चीजें मेरे दिमाग में डाले। फिरोज खान हक के लिए फाइट कर रहे हैं आप, हक की लड़े लड़ रहे, आप थोड़ा सबर करिए, सबर में इंशाल्लाह आपकी जीत है। आप हमारे को तोहमत लगाते कि हम वसूली के लिए आए। फिरोज खान की 25 साल की सियासी जिंदगी में आज तक फिरोज खान लूटना सीखा, लूटना नहीं सीखा, बनाना सीखा, तोड़ना नहीं सीखा। आज तक एक मामूल एक रुपया पूरे हिंदुस्तान में, सारी पूरी दुनिया में आज तक कोई एक रुपया फिरोज खान को दिया नहीं। ना आज तक फिरोज खान करप्शन करा, बीआरएस रहो, बीजेपी रहो, कोई भी पॉलिटिकल जमात रहो, एमआईएम रहो, हर किसी को हैंड टू हैंड ले लिया, कई कई के लिए लिया। आवाम का काम करता, गरीब की आवाज फिरोज खान बनता, सबको इंसाफ दिलाता। और आज आप तोहमत लगा रहे हमारे और हमारे कैडर के ऊपर कि हम मामूल वसूल कर रहे। अगर से ऐसा कोई प्रूफ है, जाइए आप पुलिस स्टेशन को एक्सट्रैक्शन का केस बुक कराइए, जाइए आप पुलिस स्टेशन को थ्रेटनिंग का केस बुक कराइए, एक फोटो डालिए आप हमारी जहां पर हम पैसा पूछे। आपकी नाकामी को छुपाने आप पूरी नामपली को खोल दिए, इलेक्शन से पहले आप बोकस करते और हम की खयादत आप करते और इलेक्शन के बाद आप गुंडागर्दी करते। आपके अतराफ जितने भी है पूरे रउडिया, और आप एक एमएलए है, आप दो कौड़ी के छिंदी चोर, गली का एक चूहा तंदा देखो मुंगूस बन के, भाई साहब तन रहे थे तुम, और भाई क्या कर रहा था, मुस्कुरा के देख रहा था। तो एमएलए है तो बड़ी का चिंदी चोर है, और मैं आवाम को बोल रहा अगर से एक भी प्रूफ एमआईएम पार्टी या माजिद हुसैन देती फिरोज खान के ऊपर कि हम मामूल या पैसा पूछते या हम करप्शन करते, सारी जिंदगी के लिए राजनीति से और सियासत से रिजाइन कर दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। तो रही बात, बराबर कंप्लेंट तो हम देंगे और जितने भी वो लंगे थे बाजू बराबर उनके ऊपर केस बुक होगा, और कई लंगे थे उसमें जिसके रउडी शीटरा खुलना है बराबर रउडी शीटरा खुलेंगे। बराबर अभी मेरी बातचीत हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट से हुई, महेश कुमार गौड़ से, हमारे दीपा दास मुंशी से, इंचार्ज से, अभी हमारी बात मुख्यमंत्री से भी होने वाली है। मुख्यमंत्री दिल्ली में है, मीटिंग में है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रोहिन रेड्डी से भी मेरी बातचीत हो गई और इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, कमिश्नर ऑफ पुलिस डीजीपी से हम बराबर मिलेंगे। और ये जो नंगा नाच करते ये लोग, अपनी जो मनमानी करते, जमहूरियत के अंदर हर किसी का हक है, आप डेमोक्रेसी के अंदर आप मोनोपोली नहीं कर सकते, किसकी बाप की जागीर नहीं है,
ना कांग्रेस की बाप की जागीर है, ना आंदोलन की बाप की जागीर है। अगर किसकी बाप की जागीर है तो वो आवाम की बाप की जागीर है। आज आप रोड खोज देते, पूरी आवाम परेशान है, आवाम का पैसा है, आप करप्शन करते, आप दो नंबर का काम करते, आप रिश्वत लेते, आप पाउडर खाते और बोलते कि मैं पाउडर लगाया, आवाम के बीच में छोड़ देता हूं, पाउडर खाना है या पाउडर लगाना है। और अगर से आवाम बोल देंगी बाजी दूसरे के वैसा पाउडर खाना है, तो इंशाल्लाह मैं भी कल से पाउडर खाऊंगा और पाउडर माजी दूसरे को लगाने दो। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद।